Welcome to the class. Welcome back. Okay. So the things which I taught yesterday, are you clear with that thing? जो मैंने कल पढ़ाया था आप. Okay, very good. So can you tell me what are the things that I taught you yesterday, Priyanka? मैंने कल क्या पढ़ाया था? वेरी गुड. साधना, यस. दिस दैट, और क्या पढ़ाया था? नाउंस. नाउंस का तो खाली ग्लिम्स दिया था, अ ग्लिम्स ऑफ नाउंस ओनली. दैट मच आई हैव टॉट इन क्लास, टॉट यू ऑल इन क्लास. सो ऋतुजा, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट आर द थिंग्स दैट आई हैव टॉट यू यस्टरडे? हेलो मैम, एक मिनट दीदी. सिमृता, यू टेल मी. सुसान का कल द द. ओके, नाउ लिसन, आई विल बी आस्किंग द क्वेश्चन and I will be telling you all the things that I have taught you yesterday so that you will be able to revise all the things. मैं पहले बताऊंगी आपको मैंने कल क्या क्या पढ़ाया, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपका रिविजन हो जाएगा. तो कल मैंने आपको ये बताया था ही और शी का यूज. सो ही एंड शी का यूज बताया था और बताया था दिस दैट दीज दोस. ठीक है, हाँ. तो मैंने कल ही शी दिस दैट दीज दोस ये बताया था, और क्या बताया था, कोई मुझे याद दिला सकता है? सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर एंड प्लूरल. और लास्ट में जब मैंने क्लास छोड़ा था तो नाउन के बारे में हल्का सा बता के तब एंड किया था क्लास को. ओके, तो अभी मैं थोड़ा सा इररेगुलर प्रोनाउंस के लिए रिवाइज कर. सिंगुलर प्लूरल क्या होता है? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल? आरती मैम, मैं तो wait wait for a minute. Arti, can you please tell me what is singular and what is plural? Teacher, singular matlab jo ek was jo ek cheez hoti hai wo, aur plural matlab jo zyada cheez hoti hai ek se zyada. Ek se zyada, okay, very good. To ye sabko pata hai. अभी हम लोग थोड़ा सा सिंगुलर प्लूरल देखेंगे. किस सिंगुलर का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, फिंगर का शोभित क्या होगा प्लूरल? व्हाट विल बी द प्लूरल ऑफ फिंगर? मैम फिंगर का होगा फिंगर्स. वेरी गुड. एंड व्हाट विल बी द प्लूरल ऑफ रिंग? जागृति. व्हाट विल बी द प्लूरल ऑफ रिंग? मैम फिंगर. रिंग्स, वेरी गुड. यस, वेरी गुड. सो अभी मैं सबसे एक एक करके थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर जो है मैं आगे कंटिन्यू करूंगी. सिंगुलर प्लूरल बता दिया. एक मिनट एक मिनट एक मिनट. आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन एंड आई एम गोइंग टू टेक द नेम आफ्टर दैट एंड वन बाई वन यू ऑल हैव टू आंसर. ओके, कैन यू सी द स्क्रीन विच आई हैव शेयर? ओके, माउस. ओके, माउस का माइस होता है. ठीक है, वैसे ही वुल्फ का क्या होगा प्लूरल? व्हाट विल बी द प्लूरल ऑफ वुल्फ? वुल्फ्स. वेरी गुड. ऋतुजा, चाइल्ड. चिल्ड्रन. रितेश, नाइफ. नाइफ, यस लगेगा. यस लगेगा मैम. ओके ओके ओके. शोभित मैम, टूथ का प्लूरल, व्हाट विल बी द प्लूरल ऑफ? मैम टूथ का होगा मैम. ओके, सिमृता, व्हाट विल बी? मैम टी डबल ई टीथ. मैम टीथ. वेरी गुड. हाँ, तो बेटा ये था सिंगुलर और प्लूरल. ठीक है, एंड ही इज यूज्ड फॉर. ओके, ही इज यूज्ड फॉर वैसे ही बॉयज और गर्ल्स. ही इज यूज्ड फॉर बॉयज और गर्ल्स.
मैम ही बॉय के लिए करते हैं यूज मैम, टीचर बॉय के लिए। ओके वेरी गुड, शी इज यूज फॉर गर्ल, ही इज यूज फॉर बॉय। व्हेन दिस पेन इज केप्ट नियर मी एंड इट इज वन इन पीस, व्हाट वी विल बी यूजिंग फॉर दैट, दिस दैट दीस दोस। कैन प्रियंका विल टेल मी दिस, अगर ये पेन मेरे पास है और एक पीस है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में है और मेरे पास है, तो दिस दैट दीस दोस में क्या यूज होगा? प्रियंका प्लीज आंसर। यस टीचर, दिस। वेरी गुड, दिस। एंड इफ दिस पेन इज इन टू पीसेस, ओके, एंड इट इज केप्ट फार फ्रॉम मी, मेरे से दूर रखा हुआ है, और ये प्लूरल में है, दो पीसेस में है। रितेश कैन यू टेल मी प्लीज कि हम लोग क्या यूज करेंगे? दिस दैट दीस दोस। मैं आपसे दूर है क्या? यस इट इज केप्ट फार फ्रॉम मी। उसके पहले हम लोग कुछ देखेंगे, कुछ चीजों के इंग्लिश वर्ड, जब हमें उनके इंग्लिश वर्ड पता होगी तो हम उनसे सेंटेंस बना सकते हैं, फिर आएंगे नाउन्स पे, ठीक है? तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपसे, वेट अ मिनट। ओके वेरी गुड, तो बेटा देयर इज अ काइंड ऑफ मॉल ओवर हियर, शॉपिंग सेंटर तरह की जगह, एंड वहां पे अलग अलग सेक्शंस होते हैं जहां पे कैंडीज मिलती हैं, जहां पे बेवरेजेस मिलते हैं, जहां पे वेजिटेबल सेक्शन होता है, तो वही मैं आपको बताऊंगी। तो जब आपको इन चीजों का हिंदी से इंग्लिश का मतलब पता होता है या इंग्लिश से हिंदी का मतलब पता होता है, देन यू कैन मेक द सेंटेंसेस वेरी इजीली। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू हिंदी और इंग्लिश का मतलब, ठीक है? सो पहला है यहाँ पे ऊपर में जो सबसे टॉप मोस्ट में दिया है, दैट इज द कैंडी सेक्शन। उसमें कैंडी मतलब टॉफीज, तो उस सेक्शन को क्या बोलते हैं, उस एरिया को क्या बोलते हैं? टॉफी का सेक्शन, ठीक है? एंड सेकेंड इज बेवरेज। बेवरेज क्या होता है? जो कोई भी तरह की ड्रिंक्स होती है, ओके, एनी सॉर्ट ऑफ ड्रिंक्स, ड्रिंक्स मतलब जो भी पीने की चीज होती है, ठीक है, उसके बगल जो है दैट इज बेवरेज एरिया, ठीक है? उसके बगल सब्जियां रखी हैं, सब्जियां को तो सब पता है वेजिटेबल्स बोलते हैं, ठीक है, दैट इज वेजिटेबल सेक्शन, ओके। अभी इससे मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगी, ओके, सेंटेंसेस बनाने बोलूंगी, इसलिए एक बार आप लोग ध्यान से देख लो एंड देन वी विल गो ओवर द सेंटेंसेस मेकिंग, ठीक है? फिर उसके बगल वेजिटेबल सेक्शन के जस्ट नेक्स्ट में देयर इज अ शॉपिंग बैग, एक शॉपिंग का बैग रखा हुआ है टेबल पे, ठीक है? उसे शॉपिंग बैग मतलब जिसमें हम सामान रखते हैं शॉपिंग करने के बाद, खरीदने के बाद, उसे बोलते हैं। फिर हम जिसमें अपना सामान जो अपना हमने जो भी बाई किया, जो भी परचेज किया है प्रोडक्ट्स को, वो हम लोग एक बार ले लेके टहलते हैं पूरे सब जगह, तो उसे शॉपिंग कार्ट बोलते हैं, ठीक है? एंड देन देयर इज अ फ्रूट सेक्शन इन नेक्स्ट टू शॉपिंग कार्ट, तो उस वहां पे फ्रूट्स मिलता है। देन जो हमारा सामान मतलब जो भी ये कैंडी सेक्शन बेवरेज एरिया में ये जो सामान बेचते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सेल्स पर्सन बोलते हैं, ठीक है? जो भी इन चीजों को सेल कर रहे हैं इसलिए उन्हें सेल्स पर्सन बोलते हैं, ठीक है? सेल मतलब बेचना। फिर अब आते हैं उस जगह पे जहां हम लोग कैश पे करते हैं, तो जो कैश का लेन देन करता है उसे कैशियर बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे बॉय एक स्टैंड कर रखा है, अ बॉय इज स्टैंडिंग ओवर हियर एंड वो जो है पेमेंट कर रहा है, ले रहा है दे रहा है कैश को, तो उसे कैशियर बोलते हैं। एंड दिस लेडी इज पेइंग द कैश, ये जो लेडी है वो कैश पे कर रही है। कैश तो सबको पता है क्या होता है, कैश को तो बताने की जरूरत ही नहीं है। और बट जो लेडी के हाथ में है वो वॉलेट है, पर्स है, जिसमें हम पैसा रखते हैं, और उसने क्या खरीदा है, अपने शॉपिंग बास्केट में डाल रखा है। तो अभी मैं सब अभी सबको क्लियर है ना कि किसको क्या चीज कहते हैं इंग्लिश और हिंदी में? हाँ, yes, ma'am. आप हिंदी में पूछने वाले हो या सेंटेंस बनाने वाले? मैं हिंदी में तो मुझे नहीं लगता है जरूरत है, इजी है, आप लोगों को सेंटेंस बनाना है, तो आई विल बी टेकिंग द नेम वन बाय वन एंड एवरीवन मेक सम सेंटेंस ऑन इट। शायद आपका नेटवर्क कनेक्शन ठीक नहीं है, वॉइस कट रही है। चलो ठीक है, कोशिश करो। ओके Now I am going to share the screen again and you all have to make the sentences. I'll be taking the name one by one. Candy section. Priyanka, can you make the sentence with one sentence with candy section? Priyanka? Yes, sir. Can you make one sentence with candy section? Any sentence? Candy. Kuch bhi banao. Nahi aaye to bol do sorry, sorry teacher. Teacher, kal main thoda sa
कैंडी सेक्शन में से बनाया है. I'm going to shopping given to candies. There is. Sorry. Repeat, beta. Repeat again. I am going to shopping. Right. I am going to shopping. I am going for shopping in the candy section. Okay. Very good. Very good, Priyanka. Aarti, beverage area. Beverage area. Beverage, पीने वाली drinks की सारी चीजें मिलती है. I am drink to baggy section. I am going to drink from beverage section. Beverage, ठीक है. मैं क्या बोल रही हूँ? Beverage. I am going to drink something from beverage section. ठीक है. मैं कुछ पीने जा रही हूँ beverage section से. ठीक है. सेंटेंस बनाने में हेल्प हुई प्रियंका एंड आरती? कुछ हेल्प हुआ? कुछ मतलब समझ में आया? ओके. साधना, वेजिटेबल सेक्शन. जागृति, तुम्हारा शॉपिंग बैग है. जागृति, तुम्हारा शॉपिंग बैग है. वैदेही, तुम्हारा फ्रूट सेक्शन है. और सिमृता, तुम्हारा शॉपिंग कार्ट है. ठीक है. अब कमिंग बैक टू साधना, बताओ बेटा, वेजिटेबल सेक्शन. I am going to buy carrot from vegetable section. मैं गाजर खरीदने जा रही हूँ गाजर के सेक्शन, सॉरी सब्जियों के सेक्शन से. ठीक है. जागृति, शॉपिंग बैग. नहीं आ रहा है जागृति? इफ यू डोंट, इफ यू नॉट, इफ यू, हाँ बोलो बेटा. I am. Yes. I am shopping. I am shopping bag. I have shopping bag in my hand. मेरे हाथ में shopping bag है. Okay. Vedehi, fruit section. हाँ, take your time. Simrita, shopping cart. Rutuja, आप बनाओगे sales person से. Rutuja, sales person. और Shobhit बनाएगा wallet से. और Ritesh बनाएगा shopping basket से. अपना अपना याद रखना, मैं भूल जाऊंगी. यस मैम. उसके बाद नाउंस, उसके बाद नाउंस पढ़ेंगे. बोलो बेटा, बोलो. मैं वैदे ही बोलो. माय मदर इज बाइंग फ्रूट फ्रॉम फ्रूट सेक्शन. माय सॉरी पार्डन, रिपीट प्लीज. My mother is buying fruits from fruit section. Very good. My mother is buying fruits from fruit section. Very good. मेरी माँ जो है फ्रूट खरीद रही है फ्रूट की सेक्शन से. ठीक है. सिमृता, योर टर्न. शॉपिंग कार्ट. सिमृता, शॉपिंग कार्ट. शॉपिंग कार्ट इज वेरी बिग. शॉपिंग कार्ट इज वेरी बिग. वेरी गुड. शॉपिंग कार्ट बहुत बड़ा है. ओके. रुतुजा, योर टर्न. ओके मैम. आई एम सेल्स द फ्रूट. वन सेकंड मैम. आई एम अ सेल पर्सन. यस, आई एम अ सेल्स पर्सन. आई एम मैम बिकने कुछ क्या है? आई एम अ सेल्स पर्सन. वो बेटा हाथ पे स्पीकर ले रखा है जिससे बोलते हैं और आवाज सबके पास जाती है, एंड उसमें सेल का बोर्ड हाथ में ले रखा है. मेरे हाथ में, एक हाथ में बोर्ड है और एक हाथ में स्पीकर है. देयर इज अ बोर्ड इन माई हैंड एंड स्पीकर इन अनदर हैंड. ओके ओके. रितेश, योर टर्न. Shopping bag. Yes. My shopping bag color is red. Grey. Okay. वैसे मैंने shopping basket दिया था शायद. ठीक है. My shopping bag is grey in color. Ma'am. Next. Shobhit, your turn. I have new two bullet. Black bullet. Bullet? Wallet. अच्छा. बेटा wallet. बेटा camera on कर लो. Simrita, switch on your camera.
ओके आई हैव न्यू वॉलेट आई हैव टू न्यू वॉलेट्स ठीक है मेरे पास दो नए वॉलेट्स है एंड आई एम अ सेल्स पर्सन जो ऋतुजा ने बोला था आई एम अ सेल्स पर्सन देयर इज अ बोर्ड बोर्ड इन वन ऑफ माई हैंड एंड स्पीकर इन अनदर हैंड ओके तो ये था बेटा मेरा ये करवाने का रीजन ये रहता है कि जब आप चीजों को देखोगे व्हेन यू सी एट द थिंग्स एंड देन यू ट्राई टू स्पीक एंड लर्न इंग्लिश तो आपकी फ्लुएंसी बढ़ती है तब आपके दिमाग में क्लिक करता है अच्छा यहाँ पे ये इंग्लिश यूज कर सकते थे इस वर्ड का मतलब मुझे पता है और मैं यहाँ पे इंग्लिश ये बना सकती थी तो ये करवाने का मेरा मोटिव ये रहता है जब आपको चीजों के मतलब पता होंगे उनको इंग्लिश और हिंदी में क्या कहते हैं और आप कभी बाहर जाओ चीजों को देखो तो उनसे सेंटेंस बनाने की कोशिश करोगे तो आपको खुद ही धीरे 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 इंग्लिश बोलना आ जाएगा।